करीब सुबह के 8 बजे हैं आज, यहाँ पर बारिश हो रही है सुबह से ही। खड़ी हो जाएगी और फिर हम रोड क्रॉस कर पाएंगे।
हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आज फ्राइडे है और करीब सुबह के 8 बजे हैं। आज यहाँ पर बारिश हो रही है सुबह से ही, तो देख सकते हैं अभी मुझे और करीब यहाँ से 800 या फिर 1 किलोमीटर के अराउंड चलना होगा, तब जाके बस स्टॉप आएगी, फिर वहाँ से एक्सिट लेना है। तो मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दिया है स्टार्टिंग में ही ये रूम लेने में, बट एनीवे अब क्या ही कर सकते हैं। सुबह उठ के जो सबसे टफ जॉब होता है वो ये होता है कि दोपहर का भी लंच तैयार करना और फिर उसे टिफ़िन में पैक करके लेकर जाना। एनीवे ठीक है, अभी अब ये कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद जब मैं रूम शिफ्ट कर लूँगा अपना तो फिर हो सकता है थोड़ा बेहतर हो, बट अभी तो ये है कि मुझे सुबह 7 बजे ही उठना होता है और फिर फ्रेश वगैरह होके स्नान वगैरह करने के बाद फिर मुझे लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट करना, तो इन सब में टाइम लग जाता है, तो करीब 8 बज जाते हैं मेरे। और फिर 10-15 मिनट का वॉक है, एंड देन 8:20 में मेरी बस होती है और फिर वो बस से मैं सिटी सेंटर जाता हूँ एंड फिर वहाँ से दूसरी बस चेंज करके यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, आप हमेशा यहाँ पर हमें जो है ये चादर लेके घूमना होता है क्योंकि पता नहीं कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं पहुँचने वाला हूँ अपना बस स्टॉप, वो मेरा बस स्टॉप है और वहाँ से जो है एक्सीट आ गई है, मुझे उसे ही लेना होगा। दोस्तों मैं बर्मिंघम आ गया हूँ सिटी सेंटर। अब क्या है कि यहाँ से करीब मुझे और 10 मिनट का वॉक है, फिर जाके मुझे X21 या X22 मिलेगी जो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के नॉर्थ गेट पे उतारेगी। तो
दोस्तों फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। तो आप देख सकते हैं आज बारिश का मौसम होने के कारण जो है मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा, या फिर मैं ना ही कोई सिनेमैटिक शॉट्स बना पाऊंगा। बट एनीवे यही है यूनिवर्सिटी, मैं पहुंच चुका हूं और आप देखिए यूनिवर्सिटी का नज़ारा। अब मुझे जाना है स्कूल ऑफ ज्योग्राफी अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट, जो कि नॉर्थ गेट से करीब 800 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो फाइनली मैं जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का भी नज़ारा। तो दोस्तों मैं अपने डिपार्टमेंट पहुंचने ही वाला हूं। ये यहां पर एक पीछे साइकिल की दुकान है जहां पर पुराने और नए साइकिल बेचते हैं, लाइक IIT रुड़की। और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कोई और स्पेशल चीज़ है नहीं यहां पर, बट हाँ रिसर्च अच्छा होता है और इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, थोड़े एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पास एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। कॉलेज ख़त्म, अब घर की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ से वापस से हमें फिर से बस चेंज करके निकलना है बेल एंड की ओर और फिर वहाँ से रूम। तो अभी देखते हैं कोई बस मिलती है या नहीं मिलती, और मिलती है तो कितना टाइम लगाती है। अब देख सकते हैं यहाँ ये प्लेग्राउंड है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की। तो इसका ये सीन है कि यहाँ पे आपको खेलने के भी पैसे देने पड़ेंगे। लाइक सपोज़ आप अगर एक घंटे खेलते हैं तो उसके कुछ चार्जेस हैं, लाइक फुटबॉल खेलना है तो उसका अलग चार्ज है, हॉकी खेलना है उसका अलग चार्ज है। तो यही है, अपने ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब कुछ फ्री है, मान लिया जहाँ मन तहाँ मुँह मार लिया, वैसा नहीं है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ बर्मिंघम में रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग के पास एक बटन लगे होते हैं, उस बटन को आपको प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद जैसे वो लड़की ने भी प्रेस किया और फिर हमें वेट करना होता है कि
जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के सिग्नल हैं वो ग्रीन हो जाए, और ग्रीन होने के बाद ही हम जा सकते हैं। ग्रीन होने के बाद ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी और फिर हम रोड क्रॉस कर पाएंगे। बर्मिंघम के बारे में कहा जा सकता है कि बर्मिंघम इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि लास्ट ईयर 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन यहीं पर हुआ था। मुझे अपने रूम जाने में करीब 5 से 10 मिनट लगेंगे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है सुबह से शाम तक का करीब, क्योंकि टाइम लग जाता है रूम वापस आने में, और फिर इतना टायर्ड हो जाते हैं कि कुछ कर नहीं पाते, फिर सोना होता है। तो रूम शिफ्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है रूम पहुँचते, और फिर करीब 1.5 घंटे की ये जो बस की जर्नी है तो ये टायर्ड ही कर देती है ऑलमोस्ट।
तो खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अभी कुछ दिन के बाद फिर हमें कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी से भी आंखें लगती है तो फिर लोग हाय हेलो करते हैं, इवन दो वो मुझे नहीं जानते, मैं भी उन्हें नहीं जानता, फिर भी तो है, ग्रीटिंग्स करते हैं और बस यही है। बाकी इंडिया तो इंडिया है, अपना खाना अपने तरीके से रहना और क्या ही कहें आपको।